गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ नौशीन और आज का जो लुक है वो है न्यू ईयर पार्टी लुक। तो कैसे न्यू ईयर में ग्लोसी ब्लू आइज़ बना सकते हो, तो ब्लू आइज़ मेकअप मैंने यहाँ पे किया है। तो मेकअप कैसे किया है वो बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने मेरे हर वीडियो में बताया आपको कि मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करती हूँ फेस को और ये ज़रूरी है मेकअप से पहले। तो मैंने यहाँ अपना लुक्स का ऑयल लिया है, बहुत अच्छा ऑयल है, खुशबू भी अच्छी है और मॉइस्चराइज़ अच्छे से कर देता है। देन मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपना प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अच्छे से प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ अपनी गार्नियर बीबी क्रीम। इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि हमें हैवी लुक तो नहीं चाहिए, हमें पार्टी में जाना है, तो फाउंडेशन का यहाँ ना ही यूज़ करें मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इसका भी कवरेज अच्छी है, हैवी नहीं देता लुक, क्योंकि फाउंडेशन शादियों में कोई वेडिंग फंक्शन हो वहाँ पे अच्छा लगता है। तो आप खुद देख लोगे कि कितना फ़र्क आ जाता है चीज़ें लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की तरफ से आता है, मतलब इसको हाइलाइटर की जगह यूज़ कर सकते हैं, बेस के साथ आप इसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। आप खुद देखोगे कि थोड़ा सा ग्लोसी इफ़ेक्ट देता है, ग्लोई लुक बना देता है। अगर आपके पास हाइलाइटर ना हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ कंसीलर। ये बहुत अच्छा है, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है और सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसका शेड क्या है मैं वो भी बता दूँगी आपको, तो आप अच्छे से यूज़ करके इसको अपनी पिगमेंटेशन वगैरह है वो कवर कर सकते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कॉन्टोर के लिए एलियटिन की लिपस्टिक जो ब्राउन शेड में है। आपके पास अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो आप कोई भी 40-50 की ब्राउन लिपस्टिक उठा के ले आए और उससे आप अपना कॉन्टोर कर सकते हैं। कॉन्टोर को मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट ताकि मेरा बेस अच्छे से सेट हो जाए। तो बेस को अच्छे से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत ही घंटों तक मेकअप को टिकाना है। अब मैं अपनी ब्राउज़ को फिल कर रही हूँ, पैलेट से एक ब्लैक शेड लेके ब्राउज़ फिल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आई मेकअप। तो आई मेकअप करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको आई मेकअप के लिए टाइम लेना चाहिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती भी हूँ और करती भी हूँ, आई मेकअप के लिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से मेकअप नहीं जानती, बट मैं आपके लिए करती हूँ, जितना मैंने सीखा है उतना मैं करती हूँ और कर लेती हूँ बहुत। मैं मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन कर लेती हूँ। तो आपको क्रीज लाइन एरिया पे पिंक शेड मैंने यहाँ पे पिक किया है, आप देख ही रहे हो वीडियो में, आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो इससे आपको अच्छे से क्रीज लाइन आपकी बना लेनी है और उसको ब्लेंड करना है अच्छे से। नॉर्मल ऐसे ही नहीं ब्रश की हेल्प से सीधा ऐसे लगा लिया, बहुत से लोग करते हैं ऐसा। आपको अच्छे से ब्लेंड करना अगर आपको आई मेकअप को अच्छा दिखाना है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू कलर और इसको अपने क्रीज लाइन पे ही वापस ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दो कलर का ही आई लुक बनाया है, आप देखोगे आपने स्टार्टिंग मेरे फ़ोटोज़ में भी देखा होगा जो मैंने लगाई है। अब मैंने क्या किया है कि कंसीलर को लिया और जो आईलिड होता है ना वहाँ पे मैंने एक क्रीज एरिया बनाया है ताकि हम वहाँ पे जो जहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे अच्छे से जो हमने शिमर या ग्लिटर लेना है वो अच्छे से हम सेट कर सके। तो यहाँ पे मैंने ब्लू शिमर अपने स्विस ब्यूटी पैलेट से पिक किया है और ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। अब फाइनल लुक देखोगे आईज़ का, मतलब देखोगे कि आपने तो देख ही लिया ना फ़ोटोज़ में, मैंने आके फ़ोटोज़ लगा दी है क्योंकि मैंने इंट्रो शूट किया नहीं था इसी वजह से, तो आपने देखा ही होगा उसमें कितना अच्छा मेकअप लग रहा है, तो वही मेरा फाइनल टच था। तो अच्छे से आपको ब्लू लगा लेना है। तो ये देखो लगभग हो गया है आई मेकअप, मतलब वैसे आई शेडो हमने लगा लिया है, थोड़ा सा वक्त लगता है आई मेकअप में और मैं बहुत स्पीड नहीं बना देती यहाँ पे, तो
मुझे लगा ब्रश से थोड़ा सही नहीं हो रहा, तो मैं ग्लिटर या जो शिमर पार्ट शिमर जैसे आई शेडो होते हैं ना, वो फिंगर की हेल्प से ही अच्छे से सेट हो पाते हैं। तो आप देख रहे हो ये दोनों सेट हो गए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्लेंडर की हेल्प से एक्स्ट्रा रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि आई शेडो लगाते वक्त कुछ लग जाता है आसपास भी। फिर क्या करेंगे कि जो ब्लू आपने ऊपर लगाया है उसी को लेके नीचे वाटर लाइन पे आप अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि आपका आई मेकअप बहुत ही ड्यूई लगे, ग्लोई ड्यूई लगे, बहुत ही सेक्सी सा लुक बन के आएगा। और अच्छे से इसको अप्लाई करना है, ताकि आप ये चीज़ कभी ना भूलें, जब भी आप कोई मेकअप करने जा रहे हो, कोई भी किसी भी तरह का मेकअप करो, तो आंखों के ऊपर जो लगाया है वो नीचे भी लगाएं। आईलाइनर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, फिर मैं लगा रही हूँ मस्कारा। अब आईलाइनर मस्कारा तो सबको ही लगाना आता है, नहीं आता तो मुझे बताइए, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूँगी कि आईलाइनर को कैसे अप्लाई करते हैं, ईजीली मेथड बता दूँगी। मैं इन कोनों को हाईलाइट कर रही हूँ, एक वाइट कलर का सिल्वरी शेड लिया है मैंने यहाँ पे, तो इनर कॉर्नर हो गई है हाईलाइट, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं। थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी, गला थोड़ा ख़राब हो रखा है, फिर भी वीडियो शूट करनी ज़रूरी है आपके लिए कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काजल मैंने यहाँ पे लगा लिया है, अच्छे से काजल को लगाने के बाद एक ब्रश की हेल्प से इसको स्मच कर लीजिएगा, ताकि स्मच करने से ये होगा कि आपका काजल जितना रहेगा उतना ही रहेगा, बाद में फैलेगा नहीं। कभी कभी होता है काजल हट जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो। तो फिर मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ ब्लश, तो फिर पीची कलर पिक कर लिया है मैंने। आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो, कोई भी पिंक शेड आप अपने आई शेडो पैलेट से पिक करके लगा सकते हो ब्लश की जगह, तो उससे एक लुक अच्छा बन जाता है। अगर आपके पास आई शेडो नहीं ब्लश तो ब्लश हो जाता है। यहाँ पे मैंने मियोन का आई शेडो, कम समझ लो आप हाइलाइटर है, पैलेट है ये, छोटा सा अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज है इसकी। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या इसका पूरा नाम है। तो मैं यहाँ पे अपने हाइलाइटर जो पॉइंट है, हाईलाइट पॉइंट है, वहाँ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सी बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो और मेरे पास माइक भी नहीं है, तो मैं जैसे तैसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो हाइलाइटिंग आपको अच्छे से कर लेनी है, अगर आपको हाइलाइटर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट नाइट मेकअप आप कर रहे हो क्योंकि पार्टीज तो नाइट में होती है, तो हाइलाइटर आपको लगाना ज़रूरी है, फिर आप दूर से ही खड़े चमकोगे वो वाली बात हो जाएगी। तो देखिए आप कितना ग्लोई मेकअप लग रहा है, फाइनल लुक आपने देखा है कितनी अच्छी। आप चाहे तो दोबारा जाके एक बार देख सकते हो पोज करके वीडियो को। अब मैंने यहाँ पे अपना लिप लाइनर लगाया है, देन मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैबेलिन की लिपस्टिक, रेड कलर शेड है। अब मैं थोड़ा सा ग्लोसी लिप्स चाहती थी, तो मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस का यूज़ किया है, ताकि मेरी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ग्लोसी लगे और मेकअप मेरा ड्यूई ग्लोसी लगे, और अच्छे से ब्लू आइज़ के साथ ये मैच भी कर रहा है। तो हो गया अपना फाइनल लुक, बाय।